जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माधव की पाठशाला में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय थल सेना में जो टेरिटोरियल आर्मी की जो वैकेंसी निकली है ऑफिसर पद पे, उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस माध्यम से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्या सैलरी होने वाली है, कैसा पेपर आएगा और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ट्रेनिंग कैसी होगी। तो जो सारी बातें हैं उस बातों का आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और लास्ट डेट कब तक की है, सारी बातें यहाँ पर। बस एक चीज़ की अभी यहाँ पर जानकारी नहीं हो पाई है कि इसमें जो है रिक्त पद कितने हैं, कितने पदों पर आवेदन मांगा गया है, वो उसकी जानकारी कहीं नहीं दी गई है, ठीक है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं इसके बारे में जानकारी। तो ज्वाइन इंडियन आर्मी 2021 की ये वैकेंसी है। भारतीय थल सेना ने टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर नॉन डिपार्टमेंटल के पदों पर भर्ती निकाली है, ठीक है। ग्रेजुएट युवा इसके लिए ज्वाइंट टेरिटोरियल आर्मी .gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ट्रेनिंग के जरिए चयनित उम्मीदवारों को लेफ्टिनेंट की रैंक दी जाएगी। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। अभ्यर्थी 19 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं। लिखित परीक्षा की संभावित तिथि 26 सितंबर 2021 है। तो यहाँ पर देखिए कई चीज़ें यहाँ पर जो हैं साफ साफ इन्होंने दी है कि जो अभ्यर्थी हैं 19 अगस्त तक इसको फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि लास्ट डेट इसकी 19 अगस्त होने वाली है। और जो यहाँ पर डेट इन्होंने दी है एग्ज़ाम की, वो दी है 26 सितंबर 2021, लेकिन उन्होंने लिखा है संभावित, मतलब ये चीज़ क्लियर नहीं है, लेकिन अभी जो है 26 सितंबर आप लोग मान करके इस चीज़ को चलिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो आपका आवेदन होगा वो ऑनलाइन माध्यम से ही होगा, ऑफलाइन माध्यम इसका नहीं होने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं और थोड़ी कि सबसे पहले बात करते हैं कि क्या है टेरिटोरियल आर्मी। तो टेरिटोरियल आर्मी में आप देश के नागरिक होते हैं, आप देश के आम नागरिक होते हैं, ठीक है, सैन्य और उसके रहते हुए आप सैन्य अनुभव ले सकते हैं। ये एक वाटर वॉलंटियर सर्विस होती है। आपको ट्रेनिंग के बाद जरूरत पड़ने पर सेना आपको सेवा ले सकती है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कुछ वजहों से सेना में भर्ती नहीं हो पाते, ऐसे युवाओं को सेना टेरिटोरियल आर्मी भर्ती के जरिए देश का सेवा करने का एक मौका देती है, ठीक है। तो आप जो है रिजर्व में, आप कह सकते हैं कि आपको जो है रिजर्व में रखा जाएगा और जब आपकी ज़रूरत होगी तब आपको जो है बुलाया जाएगा। अब योग्यता यहाँ पर जो इन्होंने क्या है देख लीजिए कि मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, संस्थान से या किसी विषय से स्नातक डिग्री प्राप्त की हो। आवेदक शारीरिक और चिकित्सीय रूप से स्वस्थ होना चाहिए। और जहाँ पर आयु सीमा दी गई है तो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष, यानी कि आपकी जो है 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और आपका जो है ग्रेजुएट होना आपका जो है यहाँ पर कंपलसरी है, ठीक है। तो आपका जो है स्नातक डिग्री आपके पास होनी ही चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, अरे यहाँ पर इन्होंने वेतनमान जो दिया है तो यहाँ पर दिया है कि 56,100 रुपये से लेकर के 177,500 रुपये तक का आपको वेतनमान मिल सकता है। साथ में 15,500 रुपये मिलिट्री सर्विस ग्रेड पे भी आपको यहाँ पर इंक्लूड इसमें होगा, वो भी आपको साथ में इसके मिलेगा। तो यहाँ पर जो देखते हैं कि सैलरी जो है काफ़ी सही सैलरी है, क्योंकि ये ऑफिसर रैंक की वैकेंसी है। चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है, सही आवेदन वाले उम्मीदवारों के लिए पहले लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इसमें पास होने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद सफल उम्मीदवारों का अंतिम चयन प्रक्रिया के लिए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड SSB और मेडिकल बोर्ड जाना होगा। तो आपका जो एग्ज़ाम जो आप क्लियर कर लेते हैं फिर आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में अगर आप पास होते हैं फिर आपका इसमें मेडिकल होगा, ठीक है। तो मेडिकल बोर्ड उसके लिए आपको जाना होगा। परीक्षा का स्वरूप, तो परीक्षा दो पेपरों पर आधारित होगी। दोनों पेपर में से दो भाग शामिल होंगे। इनमें बहुविकल्पीय प्रकार के सवाल शामिल होंगे। पहले पेपर के पहले भाग में रीजनिंग के 50 सवाल होंगे, जबकि दूसरे भाग में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से जुड़े 50 सवाल हल करने होंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का पेपर 10वीं स्तर का होगा। जो यहाँ पर एलिमेंट्री जो मैथमेटिक्स है, ये इसका जो पेपर का जो लेवल होगा वो आपको जो है हाई स्कूल लेवल का पेपर यहाँ पर होने वाला है। दूसरे पेपर के पहले भाग में जनरल नॉलेज और दूसरे भाग में इंग्लिश से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक भाग में 50 सवाल शामिल होंगे, ठीक है। तो यानी कि 200 जो है आपके क्वेश्चन टोटल यहाँ पर बनते हैं। और परीक्षा का आयोजन दो पाली में किया जाएगा, यानी कि आपकी जो परीक्षा होगी, जो आपके दो पेपर होंगे, वो दो पालियों में दो बार में आपका जो है एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाला है। प्रत्येक पेपर का हल करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। परीक्षा कुल 200 अंकों के लिए होगी, और अगर आप गलत जवाब देंगे तो नेगेटिव मार्किंग की जाएगी, यानी कि माइनस मार्किंग यहाँ पर इसमें होने वाली है। यहाँ पर ट्रेनिंग जो है कमीशन के प्रथम वर्ष में 1 महीने की बेसिक ट्रेनिंग होगी।
प्रत्येक वर्ष 2 महीने का एनुअल ट्रेनिंग कैंप होगा जिसमें प्रथम वर्ष भी शामिल है। OTA चेन्नई में पहले 2 वर्ष में 3 महीने की पोस्ट कमीशनिंग ट्रेनिंग होगी और यहाँ पर जो आवेदन शुल्क जो है वो 200 रुपये का यहाँ पर है। तो यहाँ पर इन्होंने सारी बातें यहाँ पर जो क्लियर कर दी हैं कि क्या आपकी कैसी ट्रेनिंग होगी, क्या आपका आवेदन शुल्क होने वाला है, परीक्षा का जो है कैसा होगा स्वरूप जो भी, और चयन प्रक्रिया किस बेस पर होगी, वेतनमान भी यहाँ पर इन्होंने दिखा दिया है, योग्यता भी यहाँ पर इन्होंने साफ साफ इसमें लिख दिया है। और इन्होंने एक शॉर्ट में लिख दिया है कि टेरिटोरियल आर्मी बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो यहाँ पर भी उन्होंने ये दे दिया है कि क्या है टेरिटोरियल, और जो है सारी जानकारी यहाँ पर जो है लास्ट डेट वगैरह सब दे दी है। और फिर भी अगर आपको इस किसी बात का यहाँ पर कन्फ्यूज़न है, आपको अगर कोई चीज़ इस विषय से या इस वैकेंसी से कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी आपको अगर जानकारी चाहिए तो आप हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और वह चीज़ की वीडियो आपको बना करके यहाँ पर वो चीज़ आपको अच्छे से समझा दी जाएगी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप सभी से बस यही कहना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़रूरतमंद जो लोग बहुत समय से इस वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं उनके पास ही नोटिफिकेशन पहुंच जाए और वो समय रहते इस पेपर को फिल कर पाएँ। तो बस इस चैनल आप इस वीडियो को शेयर कर दें और आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो और साथ में जितनी वैकेंसी हैं सारी वैकेंसियों की जानकारी यहाँ पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।